सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्ते, आदाब, स्वागत है तुहाडा मेरे अपने चैनल पटवारी फिटनेस ते। ते जिहड़ी असीं अज वीडियो बनावांगे, वीडियो तो पहला सुनो मैं अज दे गैस्ट नाल मिलाउण जा रहा जो कि मिस रीटा। तो उन्होंने बहुत टाइटल जित चुके हैं, जिदा कि मिस नॉर्थ इंडिया, मिस चंडीगढ़, होर भी कई टाइटल जित चुके हैं। तो बाकी अगे अपने आप दसणगे। तो हुण सुनो मैं अज दे गैस्ट नाल मिलाउण जा रहा जो कि मिस रीटा जी ने। आज स्वागत है तुहाडा साडे अपने चैनल पटवारी फिटनेस। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम रीटा है और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी वीडियो, गर्ल्स के लिए स्पेशली एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जिससे मोस्टली 80% जो फीमेल्स हैं उनको दिक्कत रहती है, वो खुश नहीं रहती अपनी बॉडी से। तो ये टॉपिक होने वाला है कि अपने चेस्ट फैट को, साइड चेस्ट फैट को कम कैसे करें। आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे मैंने कहा कि 80% लड़कियों की प्रॉब्लम रहती है, हम गूगल पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, सर्च करते हैं वीडियोस कि ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है जिससे हम ये फैट बूट कर सकते हैं। तो आज एग्जैक्टली मैं आपके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज लेके आई हूँ, अगर आपने उनको फॉलो किया एंड कुछ डाइट टिप्स ऑल्सो, अगर आपने वो सब प्रॉपरली फॉलो किया तो कुछ ही दिनों में, आई कैन से 15 से 20 दिनों के अंदर आप जो अपना साइड चेस्ट फैट है उसको दूर होता देखोगे, और साथ ही साथ फिर आप अपने मनपसंद कपड़े जो स्लीवलेस आप नहीं पहन पाते हो वो कपड़े आप पहन पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं वार्म अप के लिए। तो आप जैसे मैं कर रही हूँ आपने मुझे फॉलो करना है। जैसे हमने सर्कल्स बनाने हैं ऐसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 20-20। ऐसे आपको 20-20 करना है और उसके बाद हम स्ट्रेचिंग ही कर रहे हैं अभी। उसके बाद हम फॉलो करते रहिए लाइक दिस। इसे आप अप्लाई कर रहे हो स्क्वीज जब हम आगे आते हैं, स्ट्रेच जब हम पीछे जाते हैं। सेम ये भी हमने 30 करते हैं। इससे जो आपका बॉडी का वार्म अप है वो हो जाएगा और हम फिर फर्दर एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेचिंग्स हैं बेसिक जो आपको करनी है वर्कआउट शुरू करने से पहले। और अब हम बढ़ेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज पे जो होने वाले हैं पुशअप्स। अगर आप बिगिनर हैं तो जैसे आप मेरी तरह इंक्लाइन पुशअप्स कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी वर्कआउट करते हो तो आप नॉर्मल पुशअप्स जो हैं वो भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, हमने करने हैं सबसे पहले अगर बिगिनर हो तो 10 पुशअप्स से स्टार्ट करना है। आप ऐसे कोई भी टेबल बेंच आपके घर में कुछ भी है आप उसको यूज़ कर सकते हो, और जितना की वाइड आप अपने हैंड्स को रख सकते हो स्टार्ट डूइंग योर पुशअप्स। तो अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ और वो होने वाली है चेस्ट प्रेस। तो उसके लिए जैसे मैं जिम में हूँ, अगर आप जिम में वर्कआउट कर सकते हो तो आप डंबल यूज़ कर सकते हो, और अगर आप घर पे ही वर्कआउट कर रहे हो तो आप सिंपल वाटर बॉटल्स, 1-1 लीटर की बॉटल में पानी भर के आप उन 2 बॉटल्स को यूज़ कर सकते हो। कोई भी ऐसे बेंच ले लीजिए, अगर बेंच नहीं है तो आप फर्श पर भी ये कर सकते हो बहुत ईजीली। तो जस्ट फॉलो मी, आपने इसके 20-20 रैप्स करने हैं। आप ऐसे वेट जाइए, आपकी चेस्ट आउट, बैक आर्च एंड स्टार्ट डूइंग लाइक दिस। 2-3 16, 17। अब करते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज शुरू जिसका नाम है फ्लाइज। सेम अगेन, आपको कोई वाटर बॉटल हो तो आप उनको ले सकते हो, अदरवाइज अगर जिम में कर रहे हो तो आप डंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ करनी है हमें, हमें एक बेंच चाहिए, बेंच नहीं तो आप फर्श पे भी कर सकते हो। जस्ट फॉलो मी, और सेम हमने इसके 20 रैप्स लगाने हैं जैसे पहले किया था। फॉर्म आपकी सेम रहेगी, चेस्ट आउट एंड योर बैक शुड बी आर्च्ड। Just follow me. Yeah.
स्कूल, जब आप नीचे आओगे तो जो आपकी चेस्ट है वो स्ट्रेच होगी, जब आप ऊपर जाओगे तो स्क्वीज फील, अपने मसल को आपने फील करना है। बढ़ते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। ये हम करने वाले हैं मशीन फ्लाइज। ओके, तो आप देख लीजिए जितना भी वेट आपको सुटेबल लगता है आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। और सेम हमने 15 से 20 रेपिटेशंस जो है जाने की कोशिश करनी है। सेम चेस्ट आउट, बैक आर्च एंड जब आप पीछे जाते हो हर एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेच करनी है, अपनी चेस्ट फील करनी है। एंड जब हम वापस आते हैं तो हमें जो है अपनी चेस्ट को स्क्वीज करना है लाइक दिस। टू थ्री फाइव सिक्स, 15 से 20 रेपिटेशन लगाने हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हो अगर आप वेट के साथ कंफर्टेबल हो तो। बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ जिसका नाम है शोल्डर प्रेस। अगेन सेम, अगर आपके पास डंबल्स हैं आप डंबल्स यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप वाटर बॉटल लीजिए, उनमें पानी भरिए और उनको उनसे आप वर्कआउट कर सकते हो। आप ऐसे जैसे मेरे पास बेंच है, आपके पास अगर घर में कोई चेयर है तो आप चेयर पर यूज कर सकते हो, अगर आप जिम में हो तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट फॉलो मी और हमने सेम 20-20 रेपिटेशंस करने। 1 2 3 4 5, ये जो एक्सरसाइज है आपके शोल्डर और चेस्ट मसल दोनों पे वर्क करेगी और आपके शोल्डर्स को टोन करेगी और आपके चेस्ट मसल्स को टाइट करेगी, जिससे जो सेगिनेस जो लूज है आपकी चेस्ट वो टाइट होना शुरू हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जो होने वाली है केबल फ्लाइज। इसके भी सेम हमने बाकी एक्सरसाइज की तरफ 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं, बिल्कुल जैसे मैं करी आपने मुझे फॉलो करना है। हर एक्सरसाइज में सेम चीज रहेगी, बैक जाते हुए हमने अपने चेस्ट को स्ट्रेच करना है, फील करना है मसल को, और जब नीचे आते हैं तो उन्हें स्क्वीज करना है। जितना ज़्यादा आप मसल को अपना फील करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज़्यादा जो मसल है वो बिल्डअप होगा, टाइट होगा, जो सेगिनेस है वो चल जाएगी। 10 11। सो गर्ल्स अब हम करने वाले हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज, तो प्लीज़ जिसका नाम है जंपिंग जैक्स, जो आपके ओवरऑल बॉडी से भी जो फैट है उसको भी दूर करेगा, पर ज़्यादा फोकस होगा चेस्ट पे, क्योंकि हम कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। ओके, जस्ट फॉलो मी जैसे मैं कर रही हूँ, और इसके हमने करने हैं 20 से 30 रेपिटेशन। सो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। सो गर्ल्स ये थी कुछ वीडियोज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें टोटल मैंने आपको 7 तरह के एक्सरसाइजेज बताई, जिसमें से 4 तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप घर पे कर सकते हो अगर आप जिम नहीं जाना चाहते। कुछ फीमेल होती हैं जिनको जिम नहीं जाना, कुछ ओल्ड एज वीमेंस होती हैं जो नहीं जाना चाहती, अभी कोरोना थोड़ा बहुत ज़्यादा हम निकल नहीं पाए हैं। तो 4 एक्सरसाइजेज तो ऐसी हैं जिनको जैसे आपको रेपिटेशन बताए 20-30, वैसे अगर आप घर पे भी कर लोगे तो 15 से 20 दिनों में रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जो 7 के 7 एक्सरसाइजेस बताई अगर आप उनको प्रॉपरली करते हो तो जो विजिबल चेंजेस जिसको हम कह सकते हैं विद इन अ वीक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि नो डाउट कुछ लोग कहते हैं कि स्पॉट रिडक्शन नहीं हो सकता होता, या कुछ लोग इस वीडियो में भी कमेंट करेंगे, ट्रू मैं मानती हूँ। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर मसल को जैसे टारगेट करते हैं, जैसे हमने सिर्फ अपनी चेस्ट को टारगेट किया फीमेल्स की, कि लूज है तो उसको टाइट कैसे करें, या फैट है ज़्यादा तो उस फैट से छुटकारा कैसे पाएं, तो आपको ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आऊँगी गर्ल्स आपके लिए स्पेशली, जिस वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें गर्ल्स को अवॉइड करनी चाहिए अगर उनकी बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट है या उनके चेस्ट पे बहुत ज़्यादा फैट है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो लड़कियों को अवॉइड करनी चाहिए, जो अच्छी नहीं होती, जो चेस्ट फैट को बढ़ा देती है, कई लड़कियों का फिगर जो है डिस्टर्ब हो जाता है, लाइक हिप्स बहुत ज़्यादा बाहर को निकले हुए होते हैं या चेस्ट साइज बहुत ज़्यादा होता है बॉडी के अकॉर्डिंग। तो वो हमारी फूड में काफ़ी आइटम्स होती हैं जो लड़कियों को अवॉइड करनी चाहिए ताकि उनके जो हॉर्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस ना हो, तो उस पर भी मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊँगी। तो
तो आप जब तब तक के लिए आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, उसको आंसर किया जाए। अदरवाइज आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। चाहे आपकी क्वेरी पर्सनल ट्रेनिंग रिलेटेड है, चाहे आपको किसी एक्सरसाइज के बारे में पूछना है, या डाइट प्लान, एनीथिंग, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि अब हम कंटिन्यूसली फीमेल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज लेके आएंगे, जैसे बेले फैट को दूर कैसे करें, जैसे हिप्स पे ज़्यादा चर्बी जम गई है, या लेग्स बहुत मोटी है, आर्म्स फैट होता है, फेस फैट होता है, या डाइट प्लान्स जिनसे आप बहुत सारा वेट लूज कर पाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड या बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।